हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक स्वागत करछि हम यूट्यूब चैनल को एवं आ गोटिए नुवा वीडियो को। आज हम आपण मानक पई पूर्णी एक बड़ नियुक्ति खबर नै आसीछि, जेउथरे आपण मानक पई 350 प्लस वैकेंसी रहीछि। त हम देखिबा तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन रहीछि, सिलेक्शन केमिति हबो, एज लिमिट कि परि रहीछि, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि परि रहीछि, सब किछि हम ए गोटिए वीडियो रे कवर करबा। तेनु आपण माने वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो टि आपण मानक भल लागिले वीडियो गोटि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, सब बले पर जॉब रिलेटेड वीडियो देखिबा पई। तो चलंतु एबे आमे वीडियो टिको स्टार्ट करिबा। फ्रेंड्स, प्रथमे देखंतु ऑर्गेनाइजेशन नेम। ऑर्गेनाइजेशन नेम रहिछि NHPC। एटा आपण माने देखि पाथिबे NHPC, एहर माने होछि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। एही ऑर्गेनाइजेशन रु सब वैकेंसी बाहरिछि। तबे देखंतु केन को सब पोस्ट बाहरिछि। प्रथम देखंतु जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट बाहरिछि, तापर रहि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट, तापर रहि जूनियर इंजीनियर मेकानिकल पोस्ट, जूनियर इंजीनियर ई एंड सी पोस्ट, सुपरवाइजर आईटी पोस्ट, सुपरवाइजर सर्वे पोस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट, तापर रहि ड्राफ्ट्समैन सिविल पोस्ट, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल एंड मेकानिकल पोस्ट। एही सब पोस्ट बाहरिछि। तापर देखंतु अप्लाई डेट, अप्लाई आरंभ डेट एवं शेष डेट देखंतु। प्रथमे रहिछि अप्लाई डेट देखंतु, स्टार्ट होइछि 9/6/2023, जून 9 तारिख रु आरंभ होइछि ऑनलाइन अप्लाई, एवं लास्ट डेट रहिछि 30 तारिख, जून 30 तारिख मध्ये आपण माने अप्लाई कर दियंतु। तबे देखंतु अप्लाई मोड, अप्लाई मोड रहिछि ऑनलाइन, आपण माने ऑनलाइन माध्यम रे अप्लाई करि परिबे। आपणक पाखरे जदि कंप्यूटर अछि आपण माने निजे अप्लाई करि परिबे, जदि आपण मानक पाखरे कंप्यूटर नै आपण माने कॉमन सर्विस सेंटर को जाई अप्लाई करि परिबे। तबे देखंतु एप्लीकेशन फी, आप्लिकेसन फी देखु सब कैटेगरी। प्रथम देखु रही SC ST PWBD ESM कैंडिडेट नील, मैंने कौन से आप्लिकेसन फी देवे ना, से फ्री रही। देखु रही जेनेल EWS OBC NCL कैंडिडेट 295 टाँह आप्लिकेसन फी रही। देखु वैकेंसी डिटेल, क्यों पोस्ट कतोटी वैकेंसी बाहर देखु। प्रथम देखु जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट 149 वैकेंसी बाहर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट 74 वैकेंसी बाहर, जूनियर इंजीनियर मेकानिकल पोस्ट 63 वैकेंसी बाहर, जूनियर इंजीनियर ई एंड सी पोस्ट 10 वैकेंसी बाहर, सुपरवाइजर आईटी पोस्ट 9 वैकेंसी बाहर। तापर देखंतु सुपरवाइजर सर्वे पोस्ट 19 वैकेंसी बाहर, सीनियर अकाउंटेंट 28 पोस्ट बाहर वैकेंसी बाहर। तापर देखंतु हिंदी ट्रांसलेटर 14 वैकेंसी बाहर, तापर ड्राफ्ट्समैन सिविल पोस्ट 14 वैकेंसी रही। तापर देखंतु ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल एंड मेकानिकल पोस्ट 8 वैकेंसी रही। तापर देखंतु पेमेंट मोड, पेमेंट मोड रही ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन माध्यम रे पेमेंट करें एप्लीकेशन फी को आपने ऑनलाइन रे पेमेंट करेंगे, जमीती कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं आपंकर जो रही नेट बैंकिंग UPI यही सब द्वारा आपने ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तापर देखु एज लिमिट, आज ऑन 30/6/2023 ये आपण को 18 वर्ष होता दरकार मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज 30 वर्ष रु अधिक हो ना दरकार। जदि आप 18-30 वर्ष मध्य अच्छा आपण मैंने निश्चिंत भाव अप्लाई करेंगे। तापर देखु एज रिलैक्सेशन, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन रही 3 वर्ष, SC ST कैंडिडेट 5 वर्ष, PWBD जनरल कैंडिडेट 10 वर्ष, PWBD ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट 13 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही। तापर देखु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखु। प्रथम रही जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट देखु डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तापर देखंतु जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तापर रही जूनियर इंजीनियर मेकानिकल डिप्लोमा इन मेकानिकल इंजीनियरिंग। तापर देखंतु जूनियर इंजीनियर ई एंड सी पोस्ट रही डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये आपण मैंने देखिपे। तापर देखंतु सुपरवाइजर IT रही डिप्लोमा BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस IT ग्रेजुएशन। जदि आप सब भितर जेको गोटे कर आपण माने सुपरवाइजर IT अप्लाई करि परिबे। तबे देखंतु सुपरवाइजर सर्वे पई रहिछि डिप्लोमा इन सर्वेइंग सर्वर इंजीनियरिंग, जदि आपण एही सब करछन आपण माने सुपरवाइजर सर्वे पई अप्लाई करि परिबे। तबे देखंतु सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट पई आपण माने CA CMA करितिबा दरकार, जदि आपण माने CA एवं CMA करछन आपण माने सीनियर अकाउंटेंट पई अप्लाई करि परिबे। तबे देखंतु हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर पई आपण माने मास्टर डिग्री करितिबा दरकार,
যদি আপনার মাস্টার ডিগ্রি করছেন তাহলে আপনার হিন্দি ট্রান্সলেটর পাই আপ্লাই করে পারবে। তারপরে দেখুন ড্রাফটম্যান সিভিল, দেখুন ড্রাফটম্যান সিভিল পাই রয়েছে টেন্থ, তা সহ আইটিআই ইন্ডক্সম্যান সিভিল ট্রেড, আপনার টেন্থ পাস করা দরকার এবং আইটিআই করা দরকার। তারপরে দেখুন ড্রাফটম্যান ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল পাই আপনার দশম পাস করা দরকার, আইটিআই ইন্ডক্সম্যান মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড্রে আপনার আইটিআই করা দরকার। তারপরে দেখুন স্যালারি, এটা আপনার দেখিপারে স্যালারি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র সিভিল ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল ইএনসি সুপরভাইজর আইটি সুপরভাইজর সর্ভে সিনিয়র অ্যাকাউন্টাট এমান স্যালারি রহব 29,600 টাকার 1,19,500 টাকা মধ্যে। তারপরে দেখুন যে রয়েছে হিন্দি ট্রান্সলেটর, হিন্দি ট্রান্সলেটর স্যালারি রহব 27,000 টাকার 1,05,000 টাকা মধ্যে। তারপরে দেখুন ড্রাফটসম্যান সিভিল ড্রাফটসম্যান ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল এয়ার স্যালারি রহব 25,000 টাকার 85,000 টাকা মধ্যে। তারপরে দেখুন সিলেকশন প্রসেস, সিলেকশন প্রসেস রয়েছে কম্পুটর বেস টেস্ট এবং ইন্টারভিউ দুইটি প্রসেসের আপনার সিলেকশন হব। তো এর পিডিএফ লিঙ্ক মু ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি, আপনার পিডিএফটি ডাউনলোড করে প্রথমে চেক করতু, তারপরে আপনার আপ্লাই করতু। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখিথার আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি আপনার ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিও গোটে লাইক করি চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে দিও, সবুলে এপরি জব রিলেটেড ভিডিও দেখা পায়।